झारखंड में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। हेमंत सरकार के पक्ष में कुल 48 वोट पड़े हैं, वहीं विश्वास मत के समय विपक्षी बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया है। विधानसभा में सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है, बीजेपी विधायकों को खरीदने की बात करती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष न्यायपालिका या राज्यपाल में से किसी ने भी विश्वास मत नहीं मांगा, फिर ये डर क्यों? कानून का यह सलाह कहता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया जो परामर्श है उसको आप सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये ना करते हुए राज्य में एक अनिश्चित स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली सभाओं के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।